तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर अभी यहाँ पर नया विनर पास आ चुका है जरा दोस्तों। इसमें अच्छा अच्छा डांस भी आया हुआ है और दोस्तों ये देख सकते हैं ये भी चीज़ आया हुआ है, मतलब कि इसमें कपड़ा और गन की स्किन भी आया हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास बीसी ही नहीं है इसको लेने के लिए, तो कैसे किस वेबसाइट से मैं अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बीसी को एडिट कर सकूँगा, आखिर वो कौन सा तरीका है जो कि बैन होने के बाद भी उस तरीके से हम अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बीसी ले सकते हैं और विनर पास को उससे खरीद सकते हैं, या तो फिर चाहे कोई भी लकी स्पिन हो कुछ भी हो आप उस बीसी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल धमाल की होने वाली है, इसलिए दोस्तों आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर सिर्फ अभी 11 बीसी है जी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 11 बीसी है। तो लाइव इसी मतलब कि इसी अकाउंट में आज मैं बीसी एड करके दिखाऊंगा और विनर पास भी लेकर दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर वो वेबसाइट कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके पबजी मोबाइल को कट कर देना है, कट करने के बाद यहाँ पर आपके आपके मोबाइल के अंदर जो क्रोम ब्राउजर है, हर एक मोबाइल के अंदर एक क्रोम ब्राउजर होता है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, अभी दोस्तों जैसे ही आप इस क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको ऐसे सर्च करना है, देखिए सर्च वाले बार में लिखना है RAJAKITECH.com जी दोस्तों, सिर्फ इतना ही लिख आपको सर्च कर देना है किसी भी ब्राउजर में, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो, यूसी ब्राउजर हो, गूगल हो, किसी में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इसको सर्च करने के बाद से क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही सर्च करेंगे देखिए ये वेबसाइट ओपन होगा जिसमें कि अभी आप देख सकते हैं इसमें पबजी मोबाइल का बीसी भी मिलता है और पबजी लाइट का बीसी मिलता है और फिर पबजी का टूर्नामेंट भी होता है, फ्री फायर का डायमंड भी मिलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी का भी मिलता है जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है। और दोस्तों मतलब कि बहुत ही जल्दी पिछले 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पबजी लाइट के अंदर बीसी को एड कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अगर आपको बीसी एड करना है तो पबजी लाइट पर आपको ऐसे करना है क्लिक। अब दोस्तों देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक अपग्रेड कर दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरे को विनर पास लेना है तो कम से कम मुझे 280 बीसी लगेगा, तो दोस्तों इसमें खुलाने 200+120 बीसी वाला जिसमें कि दोस्तों हमको 320 बीसी मिलेंगे। तो दोस्तों हमको यही प्लान अभी लेना है तो हम इस पर ऐसे करेंगे क्लिक पेमेंट पर, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको सेम वैसा ही स्टेप फॉलो करना है। अब दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल भी सही डालना, मोबाइल नंबर बिल्कुल भी आपको गलत नहीं डालना, अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप गलत मोबाइल नंबर बिल्कुल भी ना डालें ताकि दोस्तों कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्लेयर नेम और प्लेयर आईडी क्या है, तो जो हम अपने पबजी मोबाइल लाइट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे प्लेयर नेम और प्लेयर आईडी को जानने के लिए क्या कहना है प्लेयर नेम और प्लेयर आईडी क्या है। तो इसके लिए जैसे कि आपका आपका पबजी मोबाइल लाइट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपका प्रोफाइल पे एक बार करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका प्लेयर आईडी है, ये जो ऊपर वाला है प्लेयर आईडी है और जिसमें नाम लिखा है आपका ये प्लेयर नेम है। अब दोस्तों इसको कॉपी करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, प्लेयर आईडी को कॉपी करने के लिए और प्लेयर नेम को कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम प्लेयर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद से लाते हैं यहाँ पर, लाने के बाद से इसको यहाँ पर पटक देते हैं, मतलब कि यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हैं हम इसमें प्लेयर आईडी कॉपी कर दिया, प्लेयर नेम को हमने कॉपी कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दिया हुआ है, चलिए हम पेमेंट करके आपको सबसे पहले बताते हैं कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोगों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस लिखता होगा, अगर आप छापने वाला भी लेते हैं तो वहाँ पर अधिक प्राइस आपको लिखता होगा, तो उसका भी सोल्यूशन है जी दोस्तों, आपको थ्रीडर पर यहाँ पर क्लिक करना है और कार्ड पर आपको करना है क्लिक, इस वाले कार्ड पर देखिए इस वाले थ्रीडर पर सबसे पहले आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद से एक कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कार्ट में एडिट कर देना है। इसमें दोस्तों कई लोग ऐसा होता है कि बार बार आते हैं पेमेंट करने करते नहीं है तो दोस्तों कार्ट में एड हो जाता है, यहाँ से आप एक कर दीजिए, मतलब अगर आपको एक बार करना है तो आप एक यहाँ से कर दीजिए, चलिए यहाँ से बैक आते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा कार्ट में एक ही एड है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लेस ऑर्डर पर हम करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद से देखिए दोस्तों मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको वही स्टेप फॉलो करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों जैसे कि अभी देखिए मतलब कि ये रिफ्रेश ले रहा है, मतलब कि हमको पेमेंट वाले ऑप्शन पर ले जा रहा है जहाँ से कि हम पेमेंट कर सकते हैं जी दोस्तों। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं पेमेंट, ये मायने नहीं रखती है जी दोस्तों। वालेट पेटीएम का वालेट हो सकता है, फोनपे का वालेट हो सकता है, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमको पेमेंट वाले ऑप्शन पर ले जा रहा है और उसके बाद से थोड़ा बहुत लोडिंग ले रहा है क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारा पेमेंट आ रहा होगा इस वेबसाइट पर, क्योंकि आज पहली तारीख आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर आ रहा होगा मैसेज, ले दोस्तों थोड़ा बहुत लेट लग रही है खुलने में दोस्तों, और इतना लेट नहीं होगा, 1 तारीख 2 तारीख को थोड़ा बहुत लेट हो सकता है वेबसाइट खुलने में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, क्या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, क्या आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्या वॉलेट से, या तो फिर किस से।
तो दोस्तों हम जैसे कि यहाँ पर यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा फ़ोनपे का यूपीआई है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपने जो फ़ोनपे का यूपीआई आईडी है उसको हम यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों आपको भी आपका फ़ोनपे का यूपीआई आईडी सही से डाल देना है। डालने के बाद से यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे, अब देखिए दोस्तों मेरे फ़ोनपे में रिक्वेस्ट चली गई होगी। तो चलिए हम अपने फ़ोनपे को ओपन करते हैं और दिखाते हैं रिक्वेस्ट आई है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव देखिए मेरे फ़ोनपे में रिक्वेस्ट आ गई है, 296 रुपये कटेंगे मेरे फ़ोनपे से। जी दोस्तों, क्योंकि कुछ इसका चार्ज भी है, जीएसटी कार्ड भी लगता है, मतलब जो जीएसटी चार्ज होता है वो इस भी इसमें लगता है। और दोस्तों हम एम पिन जैसे इसमें दर्ज कर दिए, देखिए दोस्तों 296 रुपया मेरे पबजी मतलब कि मेरे फ़ोनपे से कट लिया गया। और यहाँ पर दोस्तों आना है आपको फिर से वेबसाइट में, और यहाँ पर दोस्तों आपको कट नहीं करना है। कई लोग ऐसे हो जाता है तो कट कर देते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर कट नहीं करना है, इसको पूरा होने देना है, ऐसे इसको पूरा सक्सेसफुल होने देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या दिखाई देता है। जी दोस्तों, कट तो आपको अभी करना ही नहीं, सक्सेसफुल लिख दिया तो कट नहीं करना है। ये दोस्तों थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा लिख रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं लिखेगा, कई कई बार लिख देता है, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपका पेमेंट हो गया फिर भी कोई बात नहीं, तो जो जी है दोस्तों चलिए हम इसको रिलोड करते हैं और इसको पूरा हो जाने देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरा हो जाएगा तभी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दोस्तों कई बार दिक्कत आ जाती है। क्योंकि दोस्तों हम अगर भेजते हैं वहाँ पर BCUC दोस्तों हमको खुद भी पता नहीं लग पाती है कि बंदे ने पेमेंट किया है या तो फिर नहीं किया है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा सक्सेसफुल होने के बाद से। दोस्तों आपको इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद से दोस्तों आप चाहे तो सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं कि आखिर आपका कितना नंबर का है, ऑर्डर नंबर कितना है, जैसे कि 5633 है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको बीसी नहीं जाता है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप व्हाट्सएप कर देंगे हमको कि भाई मेरा बीसी नहीं आया। जी दोस्तों, और रिस्पॉन्स आने तक धैर्य बनाए रखें और कॉल करके परेशान बिल्कुल भी ना करें। यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, जो भी आपका प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, बिना काम की मैसेज मत कीजिए व्हाट्सएप पर। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों देखते हैं कि मेरे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बीसी आ चुकी है या तो फिर नहीं आ चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं अपने पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करता हूं, दोस्तों आप देखेंगे लाइव मेरे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बीसी एड हो गए होंगे। दोस्तों आईडी भी आप देख सकते हैं, आईडी भी सेम है हमारा। और देखिए दोस्तों यहां पर 331 बीसी हो चुके हैं। और दोस्तों हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों हमको कपड़ा मिल चुका है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये कपड़ा कब मिलता है, जबकि आप पेमेंट मतलब कि बीसी खरीद लेते हैं तभी हमको कपड़ा मिलता है। और दोस्तों देखिए मेरे पास 11 बीसी था, 331 बीसी आ चुके हैं। दोस्तों आप जोड़ सकते हैं कि 320 बीसी आया है कि नहीं आया है। अब दोस्तों हम विनर पास पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे विनर पास ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों और ओपी वाला डांस भी आप ले सकते हैं। दोस्तों आप इस बीसी को किसी भी कार्यों के यूज में ले सकते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो आप उसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए डांस भी हमको मिल चुका है। दोस्तों आईडी भी देख सकते हैं, सेम वैसा ही आईडी है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। और दोस्तों विनर पास तो हमको मिल ही चुकी है। और दोस्तों आप इस बीसी को देखिए यहाँ पर लकी ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं लकी ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस वेबसाइट से अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर बीसी को ऐड करवा सकते हैं या तो फिर पबजी मोबाइल के अंदर यूसी को ऐड करवा सकते हैं। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए लाइक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत।